अक्सर हमने कई फिल्मों में या फिर ऑन पेपर्स या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये डायलॉग बहुत बार सुने होंगे कि माँ जो है वो भगवान का रूप होती है, और स्पेशली ऑन मदर्स डे हम कई सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे पोस्ट कॉपी कर करके शेयर करते हैं, मम्मीज के साथ सेल्फी शेयर करते हैं। आज आरजे प्रतिभा ऐसा कोई भी यू नो काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट काम नहीं करने वाली है। मैं कुछ हद तक सोसाइटी की रियलिटी पे आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, स्पेशली मदर्स डे स्पेशल। आज मैं इस वक्त किस जगह पे हूँ वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक माँ की कहानी सुन लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त आंटी हैं, कैसे हो आप? आंटी आप यहाँ कैसे? बेटा मैंने पर्ची बोली का ब्लड भेज दिया था 15 रवि को 26 को मारा। 4 मई को मेरे दो साल हो गए, उन्होंने मेरा सामान लगा दिया। गाइस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। कहानी ये है कि उनके बेटे ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा ले लिया और ये बोला कि हम दिल्ली में जाके शिफ्ट होंगे, छोटे शहरों में कुछ नहीं रखा। और फिर पैसा लेकर इनके साइन करवा कर इनको गुरुद्वारे में भर्ती कराए, बोल के कि इलाज करा लो मैं आ रहा हूँ। और तब से लेकर आज तक 2 साल हो चुके हैं, उनका बेटा इनकी सुध लेने आया नहीं। मैं इस वक्त रामलाल ओल्ड एज होम में हूँ, वृद्धाश्रम में हूँ, और ऐसी अनगिनत माएँ मेरे साथ हैं। ये है हमारी सोसाइटी की रियलिटी। आगे और भी माँओं से मुलाकात कराऊंगी। हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे स्पेशल एक और माँ हमारे साथ है, आइए इनकी भी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम नीलम मिश्रा है, मेरे पति का नाम मुन्ना लाल मिश्रा है। मेरी 3 कोठियाँ, जमीन है, पायल की फैक्ट्री है, मार्केट है कमला नगर मेन मार्केट में, 2539 देवी जी का मंदिर है। मेरे बहू बेटों ने इतना अत्याचार करा था मेरे पे, इतना मजबूर कर दिया कि मेरे 900 शॉट पागल खाने में लगवाए। जिसके बाद मेरी बड़ी बेटी को मालूम पड़ा दमाद को, तो वो मुझे निकाल के लाई, जिसके बाद से मेरी कंडीशन बिगड़ती गई थी। खाने के लिए देता नहीं था, परेशान करता था, बहू रात दिन लड़ती थी, कलेश करती थी मजबूर में। उन्होंने हमसे कह दिया यहाँ से निकल जाओ, अब हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं था, तो हम यहाँ आ गए। बेटे ने क्यों साथ में लिया? बेटे ने तो बस प्रॉपर्टी लेने के बाद ही हमारे साथ बात करनी बंद कर दी और हमारा साथ देना बंद कर दिया। तो मैं इनको कहती भी थी तो ये कहते थे तू क्यों परेशान हो रही है, मैं बैठा हूँ ना। अब वो खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके बच्चों को पता है? आपके बेटे को पता है? हाँ, यहाँ फोन किया था। हाँ। तो उसने बोला मेरे को दोबारा फोन बंद करना। क्या याद है? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं याद आता, अभी तो सिर्फ अपने हस्बैंड की हेल्थ देखती हूँ कि वो ठीक हो जाए, और कुछ नहीं याद आता। वो सारे बेटे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो सारे पेरेंट्स, वो सारी माएँ जो आपको देख रही हैं, मैम आप उनसे कुछ कहना चाहूँगी? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने बेटे को के ऊपर कभी ट्रस्ट मत करो, और ये मत सोचो कि हमें बेटा हो, आप ये सोचो आपकी बेटी हो जो आपको दुख सुख के साथ है। बेटे हमेशा डिच करते हैं, कभी साथ नहीं देते, कोई हजारों में एक होगा जो आजकल के जमाने में साथ देता होगा। मैं तो यही सबको कहूँगी। और बेटे जो आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहूँगी? उनसे ये कहूँगी कि आप अपने माँ बाप के साथ कभी ऐसा मत करना बच्चों, अपने माँ बाप की केयर करना, उनको कभी धोखा मत देना।